वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है चंद्रयान 3 से जुड़ी। ये बड़ी खबर है, अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने चांद की सबसे ताजा तस्वीरें भेजी हैं। अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने इन तस्वीरों को जारी किया है, जिनमें चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान की रफ्तार को कम किया गया है ताकि उसे चंद्रमा की सबसे निचली कक्षा में ले जाया जाए, जिससे चांद पर उसे सुरक्षित तरीके से उतारा जा सके। लेकिन इससे पहले तस्वीरें सामने आई है, चांद के और करीब तो चंद्रयान 3 पहुंच चुका है, लेकिन क्रेटर की तस्वीरें लैंडर विक्रम ने भेजी हैं और इन तस्वीरों को स्पेस एजेंसी इसरो ने जारी किया है। हमारे सहयोगी प्रियंका इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, चांद के बेहद करीब चंद्रयान 3 पहुंच चुका है और लगातार लैंडर विक्रम जो है वो चांद की तस्वीरें भी हमें भेज रहा है, और क्या जानकारी, क्या अपडेट इससे जुड़ी हुई? देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें जो हैं ये लैंडर में यानी कि विक्रम पे लगी हुई है, जो कैमरे हैं उसकी कैप्चर की गई है, और ये और ज्यादा करीब की तस्वीरें हैं लूनर साइड की। देखिए, लगातार हम दर्शकों को ये बताते जा रहे हैं कि जिस चांद के हिस्से को हम देखते हैं उसके पीछे की तरफ जो चंद्रयान का मिशन है वो हो रहा है, यानी कि वो हिस्सा जो आज तक जहां पर कोई नहीं पहुंचा उस साउथ पोल की तरफ की ये तस्वीरें हैं, और ये फार जो लूनर का दूर का एरिया है उसकी ये तस्वीरें हैं जिनको लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉर्डेंस कैमरा से खींचा गया है। लैंडर से खींची गई ये तस्वीरें हैं, और अब डिबूसिंग की जो प्रोसेस है यानी कि स्पीड कम करने की और निरंतर आगे अपनी सेफ लैंडिंग साइट जिसको एटकिन बेसिन में माना जा रहा है कि एटकिन बेसिन में चंद्रयान का जो लैंडर है विक्रम वो लैंड करेगा उसकी तरफ बढ़ रहा है। डिबूसिंग से पहले ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जो अहम तौर पर बता रही है कि किस तरीके से चंद्रयान मिशन अब प्रोग्रेस की तरफ है, और इसी के साथ अब क्रूशियल टाइम भी शुरू होने वाला है जब डिबूसिंग पूरे जोर से होगी और उसके बाद जिस मिशन। बिल्कुल प्रियंका, इसी क्रूशियल टाइम का जिक्र करना चाहेंगे दर्शकों को, आप ये जरा समझाएं क्योंकि आप लगातार एक्सपर्ट से भी बात कर रही हैं, क्योंकि अब चंद्रयान 3 बहुत करीब पहुंच चुका है, कितनी इसकी दूरी रह गई है और ये जो अंतिम पड़ाव है ये कितना अहम है? देखिए, कल तक जो जानकारी मिली थी तो 25 किलोमीटर बताया जा रहा था ये जो दूरी है जहां पर लैंड करना। देखिए, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, लेकिन बावजूद उसके जब विक्रम लैंडर वहां पर पहुंचेगा वो रोवरिंग करेगा, यानी कि वो वहां पर घूमता रहेगा जब तक कि उसको एक ऐसी साइट ना मिल जाए जहां पर उसको लैंड करना है। एटकिन बेसिन की ये साइट को फाइनलाइज किया गया है, और उसको फाइनलाइज करने के पीछे भी ये कारण है कि जिस तरीके से 3 लेयर अर्थ की होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसी तरीके से अर्थ मून की भी सरफेस है, ऐसे में एटकिन बेसिन जो है वो बीच की जगह में, यानी कि 2 परतों की जानकारी लेकर आएगा जो चंद्रयान मिशन है, ऐसे में इस जगह को फाइनलाइज किया गया है। लेकिन उस जगह तक पहुंचने का और खास तौर पर आधे घंटे का जो आखिर का समय होता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि रिवॉल्व करता हुआ चल रहा है फिलहाल विक्रम लैंडर जो है, यानी कि जो पैर है जिनको लैंड करना है अभी वो हवा की दिशा में, और जैसे ही लैंडिंग के करीब पहुंचेगा तो उसको अपना एंगल सेट करना होगा, 90 डिग्री में पैर को आना होगा, और उसके बाद लेग की मदद से विक्रम लैंडर जब खड़ा हो जाएगा उसके बाद प्रज्ञान रोवर इन तमाम इंफॉर्मेशन को लेकर आने वाला है, वो तभी विक्रम लैंडर के अंदर से निकलेगा। तो आखिरी के बताया जाता है कि 30 मिनट, और उस पर भी स्पेसिफिकली बात की जाए तो 7 से 15 मिनट बेहद क्रूशियल रहते हैं, लेकिन फिलहाल हम डीबोस्टिंग के प्रोसेस में, यानी कि और करीब पहुंचने की कोशिश में है। इसरो जल्द ही ये जानकारी देगा कि अब चंद्रमा से कितना सफर रह गया, लेकिन कल की बात करें तो महज 25 किलोमीटर जहां पर लैंडिंग करनी थी उससे दूरी थी। ठीक है प्रियंका, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रियंका हमारी सहयोगी ये बता रही थी कि कैसे आखिरी के जो 30 मिनट होंगे वो कितने अहम होंगे जब लैंडिंग होगी। लेकिन इस बीच चांद की नई तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है, लैंडर विक्रम ने ये तस्वीरें भेजी है, और ये बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं क्योंकि ये साउथ पोल की तस्वीरें हैं। चांद के साउथ पोल के बारे में ज्यादा जानकारी अभी दुनिया के देशों के पास नहीं है, और ऐसे में ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है ये बेहद खास है। चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर लैंड होने में अब केवल 3 दिन ही बाकी हैं। विक्रम लैंडर की चांद से दूरी केवल 25 किलोमीटर की रह गई है। चंद्रयान 3 की अब तक की यात्रा पूरी तरह से सफल रही है। 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, और 15 जुलाई को अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ओर बढ़ाने वाली पहली प्रक्रिया पूरी की, जबकि 1 अगस्त को चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ाया गया, जिसके बाद चंद्रयान 5 अगस्त से 14 अगस्त के बीच चंद्रमा के अलग अलग ऑर्बिट को पार करते हुए चांद के 1000 किलोमीटर वाले कक्षा में प्रवेश किया। 16 अगस्त को कक्षाओं में बदलाव कर ये चंद्रमा के सबसे करीब 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में स्थापित हुआ। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के
प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर और रोवर अलग हो गए। लैंडर चंद्रमा की सतह की ओर आगे बढ़ रहा है, जबकि 18 और 20 अगस्त को लैंडर ने डी बूस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की और ये चांद के बेहद करीब पहुंच गया। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरेगा, जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है।